गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 11.4 ऑफ चैप्टर 11 मेंसुरेशन सो हमारे एक्सरसाइज 11.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम क्वेश्चन फर्स्ट में हमें एक सिलेंड्रिकल टैंक गिवन है और हमें कुछ सिचुएशन गिवन है और हमें फाइंड करना है कि हम किस सिचुएशन में सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और किस सिचुएशन में हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो फर्स्ट सिचुएशन हमें गिवन है ए टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड ये पता लगाने के लिए कि वो कितना होल्ड कर सकता है सेकेंड सिचुएशन है नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स जिनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसको प्लास्टर करने के लिए सी सिचुएशन थर्ड सिचुएशन है टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट ये पता लगाने के लिए नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स जो कि फिल्ड है किससे वाटर से फ्रॉम इट सो so, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम सरफेस एरिया कब फाइंड करते हैं और वॉल्यूम कब फाइंड करते हैं तो वी फाइंड एरिया वेन अ रीजन कवर्ड बाय अ बाउंड्री सच एज आउटर एंड इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अ अ स्पेयर एंड अ सरफेस ऑफ वॉल और हम एरिया कब फाइंड करते हैं जब रीजन कवर्ड होता है किससे बाउंड्री से सच एज आउटर इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अ अस्पेयर एंड अ सरफेस ऑफ वॉल और फ्लोर एंड सेकेंड हम वॉल्यूम कब फाइन करते हैं वेन द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाई एन ऑब्जेक्ट जब अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड हो किससे ऑब्जेक्ट से सच एज वाटर मिल्क कॉफी टी एक्सेट्रा देन वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट जब उस केस में हम क्या फाइन करते हैं वॉल्यूम फाइन करते हैं ऑब्जेक्ट की तो देखो फर्स्ट केस में क्या था टू फाइंड हाउ मच एंड होल्ड तो इसमें क्या है अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड है सो so, हम क्या फाइंड करेंगे वॉल्यूम सेकेंड नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट इसमें सरफेस एरिया थर्ड सिचुएशन थी हमारे पास टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन फिल्ड विथ वाटर अगेन इसमें अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड है किससे वाटर से तो so, हम क्या यूज करेंगे फाइंड क्या करेंगे इसमें वॉल्यूम ना लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड दाइट 14 सेंटीमीटर सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर्स एंड चेक वेदर दिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सोज ग्रेटर सर्फेस एरिया क्वेश्चन सेकेंड क्या है हमारा क्वेश्चन सेकेंड में हमें दो सिलेंडर गिवन है सिलेंडर ए का हमें डायमीटर और हाइट दे रखी है सिलेंडर ए की डायमीटर कितना है सेवन सेंटीमीटर और हाइट कितनी है फोर्टीन सेंटीमीटर और सिलेंडर बी का डायमीटर कितना है फोर्टीन सेंटीमीटर और हाइट कितनी है सेवन सेंटीमीटर तो पहली चीज़ हमें क्या बतानी है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन हमें सजेस्ट करना है कि इन दोनों सिलेंडर में से किसका वॉल्यूम ग्रेटर है सेकेंड हमें वेरीफाई करना है कैसे दोनों का वॉल्यूम फाइंड करके और थर्ड हमें ये बताना है कि जिसका भी वॉल्यूम ग्रेटर है जिस भी सिलेंडर का वॉल्यूम ग्रेटर आएगा क्या उसका सरफेस एरिया भी ग्रेटर है या नहीं हमें ये चेक करना है सो so, देखो फर्स्ट हमसे पूछा है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट क्या हम सजेस्ट कर सकते हैं कि दोनों सिलेंडर में से किसका वॉल्यूम ग्रेटर है तो येस वी कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी ग्रेटर होगा वाई बिकॉज रेडियस ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द सिलेंडर ए क्योंकि जो रेडियस है सिलेंडर बी की वो क्या है ग्रेटर है किससे सिलेंडर ए से तो यहाँ पर देखो सिलेंडर ए का हमें डायमीटर दे रखा है सेवन सेंटीमीटर रेडियस कैसे निकालते हैं हाफ करके जब हम सेवन का हाफ करेंगे तो कितना आएगा थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर सिलेंडर बी की डायमीटर हमें गिवन है फोर्टीन सेंटीमीटर और जब हम फोर्टीन सेंटीमीटर का हाफ़ करेंगे तो कितना आएगा सेवन सेंटीमीटर तो दोनों में से रेडियस किसकी बड़ी है सिलेंडर बी की तो दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सिलेंडर ए नाउ अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए एंड बी सो गिवन क्या है हमारे पास डाया गिवन है सो डाया ऑफ सिलेंडर ए डाया कितना दे रखा है सिलेंडर ए का सेवन सेंटीमीटर दे रखा है तो हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं हमें पता है रेडियस कैसे फाइंड होती है डायामी हाफ तो सेवन का हाफ कर देंगे तो सेवन डिवाइडेड टू सेंटीमीटर तो रेडियस क्या आ गई हमारे सिलेंडर ए की सेवन डिवाइडेड टू सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी गिवन है फोर्टीन सेंटीमीटर ये कौन से है? किस सिलेंडर की हाइट है सिलेंडर ए की वो गिवन है हमें फोर्टीन सेंटीमीटर तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए फाइंड करेंगे वॉल्यूम फाइंड करने सिलेंडर की वॉल्यूम फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है पाए आर स्क्वायर एच पाए आर स्क्वाच फॉर्मूला होता है किसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करने का तो अभी हम वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं सिलेंडर ए की तो वैल्यू उसको पुट कर देंगे पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू डिवाइडेड सेवन आर की वैल्यू अभी हम आर की वैल्यू फाइंड कर क्या है सेवन डिवाइडेड टू आर स्क्वायर है तो दैट मीन्स आर की वैल्यू कितनी आएगी टू टाइम्स तो सेवन डिवाइडेड टू इंटू सेवन डिवाइड टू एच की वैल्यू कितनी है हाइट कितनी है सिलेंडर ई फोर्टीन तो हमने वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा फाइव थर्टी नाइन तो वॉल्यूम आ गया हमारे पास सिलेंडर ए का 539 सेंटीमीटर क्यूब जो यूनिट होती है वो किस में चलेगी क्यूब में चलेगी क्योंकि जब भी हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो जो यूनिट होती है वो किस में चलती है क्यूब में तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए इज फाइव सेंटीमीटर क्यूब नाउ सेकेंड सिलेंडर के लिए फाइंड करते हैं तो सेकेंड सिलेंडर में हमें डायमीटर मीटर था फोर्टीन सेंटीमीटर तो हम रेडियस निकाल सकते हैं रेडियस क्या होता है हाफ़ होता है तो फोर्टीन का हाफ करेंगे तो कितना आ गया सेवन सेंटीमीटर तो रेडियस आ गई हमारे सिलेंडर बी की सेवन सेंटीमीटर हाइट कितनी गिवेंट थी हमें सेवन सेंटीमीटर गिवेंट थी नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी फाइंड करेंगे अगेन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच तो पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू डिवाइडेड सेवन आर की वैल्यू क्या है सेवन सेंटीमीटर तो आर स्क्वायर है तो सेवन इंटू सेवन एच की वैल्यू क्या है सेवन सेंटीमीटर तो वैल्यूज को इसमें पुट कर दिया ना सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा वन जीरो सेवन एट तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी कितना आ गया हमारे पास वन जीरो सेवन एट सेंटीमीटर क्यू ना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए हमारे पास कितना आया फाइव थर्टी नाइन सेंटीमीटर क्यू और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी हमारे पास आया वन जीरो सेवन एट सेंटीमीटर क्यूब तो हमसे लास्ट क्या पूछा था कि जिस भी सिलेंडर का वॉल्यूम ग्रेटर है क्या उसका सरफेस एरिया भी ग्रेटर होगा क्या तो हमें फाइंड करना है तो अब हम क्या फाइंड करेंगे सरफेस एरिया सो नाउ वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए एंड बी चेक करेंगे कि जिसका वॉल्यूम ग्रेटर है क्या उसका सरफेस एरिया भी ग्रेटर है क्या तो सबसे पहले हम सर्फेस एरिया फाइन करेंगे सिलेंडर ए का तो सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए तो सर्फेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का टू

हमने एरिया फाइंड करा है तो यूनिट क्या आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा स्क्वायर और वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो क्या आता क्यूब क्यूब जब भी हम एरिया फाइंड करेंगे तो स्क्वायर यूनिट स्क्वायर लगेगी पार और जब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो क्या लगेगा क्यूब अभी हमने सरफेस एरिया फाइंड करा है सिलेंडर ए का नव अब हम फाइंड करेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी तो अगेन फॉर्मूला क्या है टू पाई आर आर प्लस एच वैल्यू पुट कर देंगे सो टू इंटू पाई के वैल्यू ट्वेंटी टू डिडेड सेवन आर सेकेंड सिलेंडर की रेडियस कितनी निकली थी सेवन तो रेडियस आर की जगह रख देंगे रखेंगे और एच कितनी थी वो भी सेवन थी तो सारी वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटीन तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना आ गया हमारे पास सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटीन सेंटीमीटर स्क्वायर सो जब हमने वॉल्यूम फाइंड करी थी तो वॉल्यूम हमारे ए सिलेंडर की आई थी फाइव थर्टी नाइन सेंटीमीटर क्यूब और जब हमने वॉल्यूम फाइंड करी थी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी तो वो कितनी आई थी वन जीरो सेवन एट सेंटीमीटर क्यूब तो दोनों में से किसकी वॉल्यूम बड़ी ज़्यादा थी सिलेंडर बी की जब हमने सरफेस एरिया फाइन करा तो जो सरफेस एरिया ए सिलेंडर का आया वो कितना आया थ्री एट थ्री एट्टी फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर और जब हमने सरफेस एरिया फाइन करा किसका सिलेंडर बी का तो वो कितना आया सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटीन सेंटीमीटर स्क्वायर सो दैट मीन्स सिलेंडर बी का वॉल्यूम भी ग्रेटर है और उसका सरफेस एरिया भी अगेन ग्रेटर है तो क्या होगा येस सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज अ ग्रेटर सरफेस एरिया तो दैट मीन्स जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ग्रेटर है उसका सरफेस एरिया भी क्या है ग्रेटर है नाउ लेट्स नंबर थर्ड फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबाइड हुज बेस एरिया इज वन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज नाइन सेंटीमीटर क्यू क्या फाइंड करना है हाइट फाइंड करनी है किसकी क्यूबॉयड की जिसका बेस एरिया हमें गिवन है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम गिवन है 900 सेंटीमीटर क्यूब सो सबसे पहले जो चीज़ें हमें गिवन है वो लिख लेंगे बेस एरिया हमें क्यूबॉयड का कितना गिवन है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम गिवन है क्यूबॉयड की नाइन सेंटीमीटर क्यूब तो हमें फाइन करना है हाइट हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉयड कितना होता है लेंथ इन टू ब्रेथ इन हाइट सो so, वैल्यूज को सब्सिट्यूट कर देंगे और हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड भी गिवन है दैट इज 900 सेंटीमीटर क्यूब सो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू एच किसके इक्वल आ गया 900 के तो 900 हंड्रेड इज इक्वल्स टू हमें क्या गिवन है बेस गिवन है तो हम उसकी वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे और हाइट हमको फाइंड करनी है तो so, देखो यहाँ से हाइट फाइंड कर सकते हैं हम 900 को जब मैं डिवाइड कर दूंगी 180 से तो जब हम 900 को डिवाइड कर देंगे 180 से तो हमारी एच की वैल्यू आ जाएगी

लेंथ ब्रेथ हाइट तो तीनों को इंटू कर देंगे 60 into 54 into 30. तो सिक्सटी इंटू फिफ्टी फोर इंटू थर्टी तीनों को इंटू करेंगे तो कितना आएगा नाइनटी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब क्यूब क्यों आया क्योंकि हमने वॉल्यूम फाइन कराया तो नाइनटी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेडीमीटर क्यूब अब क्या फाइन करेंगे हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है साइड का क्यूब साइड का क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है तो साइड हमें कितनी गिवन है सिक्स सेंटीमीटर

तो उसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब से तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना था हमारे पास नाइन्टी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमने निकाला कितना टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन सेंटीमीटर क्यूब तो जब हमने उसको डिवाइड करा और डिवाइड करा तो कितना आया हमारे पास फोर फिफ्टी सो दैट मीन्स कितने स्मॉल क्यूब्स की रिक्वायरमेंट होगी हैंड्स रिक्वायर्ड क्यूब्स आर फोर फिफ्टी नाउ एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे